उमेश जोशी जी आए नहीं अभी। हाँ अभी दोनों डॉक्टर उमेश और उमेश जोशी साहब दोनों हैं अभी उपलब्ध। नहीं, इस पे मेरे ख्याल से अभी लॉग इन कर लिया है, लेकिन माइक पे नहीं होंगे। हाँ माइक पर हाँ और डॉक्टर उमेश कुमार जो रांची से हैं, वो क्या करते हैं अमिताभ सर? आप अनम्यूट करिए अमिताभ जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ, डॉक्टर उमेश शायद अच्छे पोस्ट से ही रिटायर किए, याद नहीं है, वो बताए कि अपना प्रोफेसर परिचय हैं के किसी कॉलेज प्रोफेसर में हैं। हैं। हाँ डॉक्टर उमेश जी, उमेश डॉक्टर डॉक्टर उमेश, हम लोग उमेश आपके बारे में बोल रहे हैं, आप आइए। डॉक्टर उमेश आइए, डॉक्टर उमेश, डॉक्टर उमेश अपने बारे में बोलिए। आइए, स्टडी से भी रिलेटेड हैं वो। डॉक्टर उमेश जोशी आप बोलिए, डॉक्टर उमेश जोशी, उमेश जोशी जी, उमेश जोशी लखनऊ से बोलिए। दोनों आदमी शांत हैं, पता नहीं क्यों। डॉक्टर उमेश, वो शांत नहीं है, लॉग इन करके वो होंगे घर में ही होंगे। नहीं, टाइम तो हो गया है, टाइम 7:20 हो गया। हमको लगता है कि शुरू कर देना चाहिए। जरूर हमारे चीफ गेस्ट साहब, रेस्पेक्टेड प्रसाद साहब आ चुके हैं, तो हम लोग इंतजार करें या शुरू कर दें? मेरे ख्याल से 4-2-3 मिनट इंतजार कर लीजिए, आ ही जाएंगे। या तो फोन कर ले उमेश सर को, तो आप वो ठीक रहेगा। अगर फोन उमेश नंबर है, फोन नंबर तो है। जोशी जी को आप फोन कर ले और उमेश जी को फोन कर ले तो आ जाएंगे वो। उमेश जोशी साहब, उमेश जोशी साहब, डॉक्टर उमेश, अरे क्या बात है भाई? हाँ, डॉक्टर उमेश साहब, आपको सब लोग खोज रहे हैं। हाँ, सर आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, डॉक्टर उमा शंकर जी। हाँ, जरा अपने परिचय दीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, जोशी नमस्कार जी भी आ गए। नमस्कार हाँ, नमस्कार जोशी डॉक्टर उमेश, डॉक्टर उमेश अपने बारे में बताएं जरा, आप जी। कहाँ काम करते हैं? नमस्कार, हाँ डॉक्टर उमेश, अभी आप कहाँ पर हैं? रांची में है ना डॉक्टर उमेश? डॉक्टर उमेश, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। डॉक्टर उमेश अपने बारे में बताएं। सर हाँ हाँ बिल्कुल हाँ प्रिंस सर बोल रहे अच्छे हैं। बोकारो में प्रिंसिपल। अच्छा, हाँ ये प्रिंस, हाँ गोपा बोकारो में प्रिंसिपल हैं। किस कॉलेज के? हाँ, किस कॉलेज के प्रोफेसर में प्रिंसिपल हैं आप? किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं बोकारो में? अच्छा, इनका। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, जोशी साहब बोले, उमेश जोशी साहब, उमेश जोशी साहब। मैं अटेंड कर रहा हूँ, थैंक, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। तो जोशी साहब के बारे में तो सबको जानते ही हैं, क्यों आप जो थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए जोशी जी। अच्छा, मैं उमेश चंद जोशी, आई एम ए मास्टर ट्रेनर प्रेजेंटली ऑफ डीओपीटी, पर्टिकुलरली इन द डायरेक्ट ट्रेनर स्किल कोर्स, एंड आई हैड रिटायरमेंट फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर लॉन्ग बैक, एंड आई फील इट्स माय प्लेजर टू लिसन एकदम डॉक्टर नया हो उमा गया है। जोशी जी अरे एंड सर, आई अदर नो, आई नो, वेटरन। वी हैव इंटरेक्टेड अ लॉट, एंड आई नो, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू नो अबाउट डॉक्टर उमेश कुमार, नॉट उमेश चंद जोशी जी। यू आर वेल नोन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, एंड थैंक यू, आई एम लिसनिंग। इन फैक्ट आई हैड बीन कॉल्ड बाय
director Upam today, so I am there, and I'm still eager to listen you. And oh, thank you, sir. Very informative and very useful lectures. Thank you, sir. तो जोशी जी अभी आरटी डेवलपमेंट कोर्स करवा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनर को डेवलप कर रहे हैं उपाम लखनऊ में, तो ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, और उसके उसके बावजूद भी वो हम लोगों के प्रोग्राम में आए हैं, दैट इज आवर लक। ओके, तो उमेश जी के बारे में जानना था, उन्होंने बताया प्रिंसिपल हैं बोकारो में किसी कॉलेज में, लेकिन पूरी बात हम लोग सुन नहीं पाए, तो फिर सुन लेंगे, और अब हम आदर पूर्वक हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने चीफ गेस्ट आदरणीय एएम प्रसाद साहब से अनुरोध करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे डॉक्टर उमा शंकर जी को बाइज्जत बुलाकर उनको बोलने के लिए आमंत्रण दें। उनका आमंत्रण बहुत मायने रखता है इतने बड़े विद्वान का, और इतने बड़े विद्वान को बुलाने के लिए प्रसाद साहब ही अभी उपर्युक्त हैं। तो प्रसाद साहब से निवेदन है, तारीख आज क्या है, तो प्रसाद साहब प्रेरणा मेहता को भेज, हम आपको भेज रहे हैं। तो डॉक्टर अनम्यूट करिए सर, आप आज के मुख्य वक्ता हैं, तो आप का स्वागत है, विद्वान हैं और आपकी विद्वता से हम लोगों को इसमें भेजना, इस विषय पर क्या नाम है, चर्चाएं हुई हैं एयरटेल में, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ और छोर नहीं पता चलता है डॉक्टर साहब, काफी कुछ जानना बाकी है, और इसी उम्मीद में हम हैं कि आज आपके मुख से इस विषय के बारे में जो जानकारी होगी उससे पर्सपेक्टिव कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे पहलू हैं, मेरा ख्याल है कि गिनना मुश्किल है कि कहीं स्पिरिचुअल से शुरू होता है और साइंटिफिक तो है ही, पॉलिटिकल बहुत है, इंटरनेशनल भी है इसके पहलू, टेक्नोलॉजिकल अबाउट, तो आपने इसकी विद्वता हासिल की है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं आपको, मैं भी उसी जात का हूँ ये समझ लीजिए, तो बड़ी खुशी है कि आपने इस विषय को और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इसको इसकी रूपरेखा जरूर आपने हासिल की है, और आपके सर्विस में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्रकृति के उस उस मैं क्या कहूँ, प्रकृति तो ही आपका जीवन भर आप उससे जुड़े रहे, बहुत नजदीक से जुड़े रहे, और प्रकृति के बारे में आपको ही जानना चाहिए सबसे ज्यादा हम लोगों से, क्लाइमेट भी प्रकृति का ही एक खास अंग है, बहुत इसके अच्छे रोल भी रहे हैं, बुरे भी रोल रहे हैं, बड़े वरदान भी मिले हैं इससे, बहुत अभिशापों का भी सामना करना पड़ा है, तो अब आप शुरू करिए डॉक्टर साहब अपने प्राइवेट कंट्रोल पर, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सर। अब हम लोग के बीच में रमाकांत पांडे जी, अभय कृष्णन जी राजस्थान जी से आ गए हैं,
उन लोग का बहुत और भी बहुत से लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभय कृष्णन जी और रमाकांत पांडे जी, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा अपने बारे में बोल देंगे तो बहुत खुशी होगी। अभय कृष्णन जी और रमाकांत पांडे साहब, हाँ 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 बोलिए अभय साहब। अभय साहब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए माइक। हाँ हाँ अभी ठीक हुआ। हाँ गुड इवनिंग सर, आप सब काफी सीनियर है सर मेरे से, आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम सर। हाँ जी, मैं काफी छोटा हूँ सर, मैं मैनेजर ईएसएस हूँ, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। अरे वाह, इस वक्त मैं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी में एज ए पोजिशन ऑफ मैनेजर सेफ्टी काम कर रहा हूँ। और इस वक्त में राजस्थान में एक छोटी सी जगह बगोतरा डिस्ट्रिक्ट है जो जस्ट अभी बनी है। अच्छा, इस बगोतरा डिस्ट्रिक्ट में एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर से राजस्थान रिफाइनरी बन रही है। तो उसी रिफाइनरी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमारा है वीजीओ, वैक्यूम गैस ऑपरेशन यूनिट, और उसमें मैं एज ए मैनेजर कैपेसिटी काम कर रहा हूँ सर। और थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, डेस्क पे सर हम ज्यादा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, बट कैमरे चेंज था और सर के बारे में देखा तो पूछा हुई कि नहीं आज पहले से आके थोड़ा सा काम मीटिंग अटेंड सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ ये हमारे सबसे अच्छे स्कॉलर डॉक्टर उमा शंकर जी यहाँ पर आए हैं, आईएफएस ऑफिसर भी हैं, और हमारे जितने भी विद्वान हैं यहाँ पर हमारे इस ग्रुप में हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और हम आपका भी सुनेंगे राजस्थान से, आपके विषय पर, आपका विषय बहुत नया है। आपको कहाँ से मिला हम लोगों का ये नंबर? चूंकि हम लोगों की ड्यूटी बहुत हार्ड होते हैं, हम हार्ड बोल सकते हैं बिकॉज सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ड्यूटी रहती है, और ड्यूटी पर टाइम पे जाने के लिए सुबह 1 घंटा पहले तैयार होकर जाना पड़ता है। डेट पे थोड़ा सा वादा करता हूँ सर, जो भी आप सीखूंगा मैं कम से कम 1200 आदमी के बीच में ये स्पीच मेटर को पहुंचाऊंगा। अरे वाह अरे वाह, हम लोग का ये रिकॉर्डिंग भी होता है, ये रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे। और मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, 790 790 790। रमाकांत जी भी मेरा नंबर लिख लीजिए। काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब यशदा के डायरेक्टर जनरल आईएएस भी ज्वाइन किए हैं, आईएएस साहब हैं ये। काल शेट्टी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी सर, हम, अरे सर बहुत दिन बाद आपको देख के मन खुश हो गया, बहुत दिन से आपको मिस कर रहे थे सर, एक दिन आपका भी सुनना है। ये इतने विनम्र हैं, इतने बड़े क्वालिफाइड आदमी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और फिर उसके बाद आईएएस हैं, यशदा के डायरेक्टर जनरल हैं, फिर भी इन्होंने हम लोगों का क्लास अटेंड किया और बहुत विनम्रता से अटेंड किया। मैं बहुत खुश हूं कि आज काल शेट्टी साहब आए हैं, यशदा के डायरेक्टर। जो लोग नए आए प्लीज मेरा नंबर नोट कर लें, 790 359 359 5877 5877। एक व्हाट्सएप मिस को दे दीजिएगा, हम हर इंफॉर्मेशन देंगे। कल एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट प्रेरणा कुमारी बोलने आ रही है हम लोग के बीच में, जैसे हम लोग को कैंसर होता है तो उसके कैंसर के मैंने जर्म्स को काटने के लिए रूट से ही क्या किया जाए, क्या कट कर दिया जाए जिससे कि कैंसर फैले नहीं। हमारे किसी किसी प्लांटेशन में, एग्रीकल्चर में, किसी किसी पेड़ में
जर्म्स लग जाते हैं उसको कैसे काट करके इतने बड़े साइंटिस्ट, मतलब इतना सुंदर, हमने उसका छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाया है, इसके बाद हम आपको भेजेंगे। कल कोई भी मिस मत करिएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए इतने सुंदर प्रोफेसर आए, वैसे उसके लिए भी वो बहुत सुंदर, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल से हमने परमिशन लिया, परमिशन लेके और उनको बुलाया है। हम कालशेट्टी साहब से भी अनुरोध करेंगे आप भी आए, और बहुत अच्छा मतलब कल का भी अच्छा होने वाला है। अभी दो सप्ताह तो इतने अच्छे अच्छे विद्वान मिल रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है। तो ये कालशेट्टी साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दी सीरीज ऑफ वर्कशॉप ऑन डिफरेंट टॉपिक। Now we all know that climate change and climate, for that climate action is very, very important. It is sustainable development goal. And 13th is 13, 14, 15. 13th, 14, 15th are on the, these 13, 14, 15th are on the environment. And in that 14th is on this climate action. Climate action is very, very important. So, sir, this subject is very, very important. And I wish all the best wishes for this discussions. And definitely all the stalwarts and all the renewable, all the experts are here. And we all will take it to action. That is very, very important. And so we all take part in all these things, sir. We in SDG across the country, in Ministry of Panchayat Raj, we have taken the approach of thematic. Way in that clean and green is the one of the themes, sir. And because 13, 14, 15, 13th goal is climate action, 14th is life below water, and 15th is life above land. Yes. And in that we are going in all to 250,000 village panchayats. The same message in that clean and green panchayat. Now, in the future, now within 3-4 months, all the data regarding clean and green will be on the portals. This data entry is in the progress across the country. I am one of the national trainer in the Panchayat Development Index for localization of sustainable development goals, sir. This subject is very, very important, sir. All the best wishes, sir. Thank you, sir. Thank you. Lucky to get your blessings and good wishes also. So naturally you will be getting very good information and data from Dr. Uma Shankar ji. Pallav Thiti ji from this New Delhi, he is a great scholar. Now he had given one, he has arranged one this webinar on this cancer removing escapes. So he could not come last webinar. So he will be the speaker for cancer removing next time, he has promised. So Pallav Thiti sahab, aapka bahut bahut swagat hai. Aur aapka cancer wala. हाँ बस आपका कैंसर वाला हम लोग सभी सुनने के लिए व्याकुल हैं। हाँ बिल्कुल व्याकुल हैं। तो अगले शनिवार को हम आपका रखना चाहते हैं, प्लीज अपना असेंट दीजिए और इसकी स्वीकृति दीजिए। जी जी हाँ, अगले शनिवार को आपका सुनेंगे। आज हमारे सभी विद्वानों को प्रणाम, प्रणाम ही बोलना होगा कि इतने बड़े बड़े विद्वान एक साथ आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं हम उनका, और पल्लव चित्र साहब साहब से हम कहेंगे कि वो शुरू करें। एक डबल सी और क्या, एक सी कुछ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
प्रीति सिन्हा आई हैं। प्रीति सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग फिर सुनेंगे। रमाकांत जी आप तो शायद लखनऊ से आए होंगे, तो अपने बारे में आप बताइएगा, तो पहले हम शुरू कर दें। हाँ, बक्सर से हैं आप? बक्सर से हैं। वाह, रमाकांत पांडे जी किसी बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट जी, अरे वाह, ये भी आगे बहुत अच्छे विद्वान हैं। ये मतलब ये डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट साहब MBBS डॉक्टर हैं और डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं। सभी को डायबिटीज प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम करता है, और हमारे ये क्या बोलते हैं चंद्रेश्वर खान साहब तो अभी ऑपरेशन करवा के आए हैं। तो शैलेंद्र भट्ट साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश भट्ट साहब आपका बहुत हम रेडी रहेंगे कि आपने इतने बड़े डॉक्टर को वहां से हमारे ग्रुप में जोड़ा है। डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट साहब हम लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट साहब, डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट साहब ये डायबिटीज के प्रोफेसर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, सबको हाँ थोड़ा सा अपने बारे में बताया। सर मैं डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट, BHU से मैंने PhD करी और मेरा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, तो मैं इसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। मैं प्रोफेसर हूँ IIT यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं? अच्छा जी। तो मैंने ये देखा कि डायबिटीज एक प्रॉब्लम नहीं है, एक सलूशन है। खास करके डाइट अगर सही कर लिया जाए तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ हर्बल क्योर हमने रिसर्च इसीलिए किया ताकि इसका इफेक्टिव इलाज हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी माताजी की डेथ हुई डायबिटीज की वजह से। मेरे मामा जी जो 45 इयर्स के थे उनकी भी डेथ हुई। तो मेरे दिमाग में आया कि आखिर इस पे रिसर्च किया जाए। हम लोगों ने काफी इस पे रिसर्च करके एक ऐसी हर्बल मेडिसिन निकाली जो कि आपका अगर 17-18 साल से डायबिटीज है तो वो आपका बिल्कुल 100% क्योर हो जाती है। अरे वाह, तो फिर ये मेडिसिन तो हम लोग लेना चाहेंगे। हम लोग सभी डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके प्रसाद साहब भी हैं। सबको गिफ्ट मिलेगा, एक हफ्ते का सबको मैं भेज दूंगा, फ्री है हमारी तरफ से। अरे और इसमें सिर्फ डिलीवरी चार्जेज लगता है, तो वो एकदम सर। हम लोग बहुत डायबिटीज से पीड़ित हैं और बहुत बड़ा बड़ा मैंने बहुत, मेरी वाइफ को तो एक दवा दिया जा रहा है जिसका 400 रुपया प्राइस है, वजन भी कम करता है और डायबिटीज भी कम करता है। पर डे 400 और सालों भर खाना पड़ता है, इन एडिशन टू अदर मेडिसिन आल्सो फॉर डायबिटीज। हम लोग का सौभाग्य है कि आप हम लोग के बीच में आए, और हम इस रविवार को आपका रखना चाहेंगे, शनिवार को कैंसर का सुनेंगे और रविवार को हम लोग डायबिटीज का सुनेंगे। अब बिना समय वेस्ट किए हुए हम डॉक्टर उमर, लेकिन समय वेस्ट नहीं हुआ, हम लोगों को जीवन दान मिलने का बहुत सा रास्ता मिला। तो डॉक्टर चुम्मा शंकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं। ये मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है। नेचुरल को तो नेचर ही उसको रोक देती है, लेकिन मैनमेड को के बहुत खतरे हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं। और हमने एक जगह सुना कि 2050 तक करीब 40-50% परजीवी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज के बैड इफेक्ट से। ये बहुत बड़ा खतरा है और इसमें बहुत रिसर्च किया जा रहा है, और इसमें ह्यूमन बीइंग भी प्रभावित होंगे, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। तो हम लोगों की नस्ल भी शायद खत्म हो जाए यदि हम लोग बुद्धिजीवी लोग उस पर काम नहीं करें। तो अभी हमारा 4-5 वीक हमको ह्यूमन बीइंग को जीवित रखने के लिए, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए उपाय करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर उमा शंकर साहब आप बोलना शुरू करें प्लीज, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर उमा शंकर, थैंक यू। मैं तो क्या बताऊं, इतने विद्वानों के बीच में बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज को दिया दिखाने की तरह है। नहीं, आप बोल, आप कम विद्वान नहीं हैं। उन विद्वानों में मैं बिल्कुल नहीं, मैं सीख रहा हूं, I'm a learner। और
Pallav ji, how are you, sir? I'm good, sir. I'm good. I think I will not disappoint you. आपका rural development से अब switch over के फिर हम health segment में आ गए, sir. Oh, great. I'm working on National Pharmaceutical Pricing Authority, that is NAPA. तो अमिताभ सर जो बोल रहे थे कि 400 रुपए की दवाई अगर आप खा रहे हैं तो कृपा करके आप स्ट्रिप हमारे पोर्टल पे सेंड कीजिए, क्योंकि हमारा काम ये मॉनिटरिंग करना कि दवाई का जो रेट हम लोग फिक्स करते हैं उससे अगर 10 पैसा भी अगर ज्यादा गए तो वी स्टार्ट सो कॉज नोटिस, डिमांड नोटिस एंड रिकवरी नोटिस. वेरी गुड. उमा सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों के बाद आपको सुनने को मिलेगा. यस, रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम किए सर, और आपके साथ में मिलकर के हम लोग अभी भी काम करेंगे. पल्लव जी, आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो आपका सदैव दिल से स्वागत है, और हम आपसे इसके बाद फिर बात भी करेंगे टेलीफोन से. मैं सबो ने अपना परिचय दिया, मैं भी. अच्छा, लेट मी बिगिन विद अ वेरी गुड इवनिंग, वेरी हार्टी इवनिंग. Should I speak in English or Hindi? Let me. रानी, हिंदी भी बोलना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे हैं ओंकार उपाध्याय, उन लोगों ने, या पारसनाथ उपाध्याय, उन लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती. तो उन लोग के लिए हिंदी जरूरी है. थैंक यू. और बैलेंस बना के. थैंक यू. और कोई हमारे यहाँ ऐसे नहीं है जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती होगी, तो इंग्लिश का कम प्रयोग हो तो अच्छा है. थैंक यू. तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं, क्योंकि मेरा नाम उमा शंकर सिंह है. मैं 1984 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी रहा, और उत्तर प्रदेश काडर में उच्चतम शिखर तक गया. भारत सरकार में भी 4-5 साल काम किए. मैं फाइनेंस में था, और नौकरी में रहते रहते मैंने फिर पीएचडी भी किया क्लाइमेट चेंज पे, फिर डीएससी भी क्लाइमेट चेंज पे किया. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं आप सबों से कम जानकार हूं, मुझे कम आता है ये, मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग हमेशा रहती है. तो मैं अभी भी आप लोगों से सीखना ही पसंद करूंगा. टुडे दिस आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द क्लाइमेट चेंज and the challenges involved into the entire process. Climate change is a very happening subject. Let me tell you, it is a subject which calls for a debate at great length and in a way that it should go to the masses. लोगों तक पहुंचने की जरूरत है climate change. मैं आज आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट विच इन्वॉल्व्स एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. अगर आप डायबिटिक हैं तब भी क्लाइमेट चेंज का असर है, आपके पास पानी नहीं है तब भी क्लाइमेट चेंज का असर है, आप बीमार हैं तब भी क्लाइमेट चेंज का असर है. क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा है वो आपके जीवन के हर चीजों पर असर डाल रहा है. And India is a wonderful country. Let me remind you, India is a wonderful country. We have a global share of 2.5% of land, which supports 18% of population with 4% of water only. आप सोचिए गजब का. India is a country of iniquity. I always say, India is a rich country with a poor people. हमारे पास ये बहुत अमीर देश है लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं. Let me tell you how. 1% of the population, 1% of the population has a 73% of resources of this country. और अब दुर्भाग्य हमारा देखिए कि 36% of water हमारे जो एशिया का है, that caters to 60% of population. एशिया का. On the contrary, what happens? Australia में 5% water के ऊपर 1% population. तो naturally मैं ये data इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आने वाले समय में climate change का जो असर है वो सबसे ज्यादा इंडिया में होगा.
और होना भी चाहिए. इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी आर लूजिंग आवर रिसोर्सेज एट अ मच मच फास्टर रेट एंड वी नेवर नो व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. फॉरेस्ट इज वन नेचुरल रिसोर्स एंड फॉरेस्ट वी आर लूजिंग एट अ रेट वी इवन डोंट नो. The government of India publishes a report, biennial report, that's what we call the India State of Forest Report, which says that India has a forest cover of 24%, roughly slightly 24.3% or something of that sort. तो मैं जब लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं चिंता तुम क्यों करते हो भाई, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट तो बढ़ ही रहा है. But the question is, फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा, फॉरेस्ट घट रहा है, बिकॉज वी आर फेलिंग द नेटिव फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच इज ओल्ड, हम उसको काट रहे हैं. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, द डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट वाज सेइंग समथिंग अबाउट द डायबिटीज. मैं वुहान के बारे में, वुहान इज अ कैपिटल ऑफ इज अ प्लेस इन चाइना, इज कैपिटल ऑफ Hubei Singh province, situated at the bank of Yangtze River. आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2017 से 20 के बीच में यहां पे करीब 47,381 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को मार दिया गया. Bat is a very supposed to be a delicacy in China. Bat ko bahut acche se khate hain. And there is never no, bat is a reservoir of COVID virus. We do not know what happened in Wuhan, because China is an iron curtain country. It does not let anybody come into China and investigate. Wo dikkat ye hai, hum jaan nahi paate. देखो बहुत सारे वेट मार्केट्स हैं, चाइना में भी है, इंडिया में भी है. और जब मैं और रिसर्च कर रहा था तो 2013 से 2020 के बीच में 70% ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेर नॉट ऑन द मैप इन देर फेल देवर कट. तो क्या हो रहा है कि वी अभी तो हमको पता नहीं कि फॉरेस्ट का इंपैक्ट होगा, बट फॉरेस्ट का बहुत इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट, और वो असर है और दिखाई भी पड़ता है. अब एक नेचर इज सपोज टू बी अ वेरी एक जर्नल है जो कि बहुत रिप्यूट का है. उस नेचर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और वो रिपोर्ट ये है कि हिमालयस के ऊपर है कि हिमालयस में करीब जो ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं, जो ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं वो ग्लेशियर लेक्स आर गोइंग टू बी अ थ्रेट टू द मैनकाइंड, इज गोइंग टू बी थ्रेट टू द मैनकाइंड. और ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये राइजिंग टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग उनका प्रोसेस है, और दे आर मेल्टिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. वी ऑल नो दे आर मेल्टिंग फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. क्लाइमेट चेंज इज वन रीजन, राइजिंग टेम्परेचर इज द अदर रीजन, एंड वहां पे जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन उस ग्लेशियर्स पे हो रहा है जो कि उनको बहुत ही तेजी से मेल्ट करने को इंड्यूस कर रहा. और मेल्टिंग का रेट ये है कि जो वो मेल्ट करके जो अनिवल एरियाज हैं उस पर जाकर वो लेक के फॉर्म में चले आते हैं, और वो लेक का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कहीं कहीं तो 47 मीटर पर एनम के रेट से हो रहा है. तो ये जो है हमारा जो ये पब्लिश जो एक रिपोर्ट किया नेचर ने, वो क्या बताता है
कि रफली 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस ग्लेशियल लोग इस ग्लेशियल लेक से आर गोइंग टू बी एडवर्सली इंपैक्टेड, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है. 1 million पीपल आर इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ दिस ग्लेशियर लेक्स. मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कैसे हुआ. अब ये जो ग्लेशियर्स हैं इसमें 4 कंट्रीज थ्रेट के मेन है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड पेरू. अभी आप सबको अगर याद होगा तो चलिए इसके पहले हिमालय के बारे में बता दो. हिमालय इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रफली द किलोमीटर, इट हैज 2500 किलोमीटर लेंथ वाइज और वेस्ट में 400 किलोमीटर थिक है और ईस्ट में 200 किलोमीटर थिक है. अभी एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, वो रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक रिपोर्ट है. वो कहता क्या है कि हिमालयस का जो टेम्परेचर है वो 5.1% के आसपास बढ़ जाएगा बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी. अभी क्या हुआ, 4 अक्टूबर 2023 को अगर आप याद करें तो सिक्किम में एक लेक है जिस लेक का नाम है लोहनाक लेक, वो करीब 1700 मीटर के ऊपर है. उस लोहनाक लेक का उस पे बारिश होती है और वो लेक पूरा का पूरा भर जाता है. लेक होता क्या है, ग्लेशियर्स का जब मेल्टिंग होता है तो अपने साथ मलबा लाता है, अपने साथ पत्थर लाता है और इस पत्थर से एक उस लेक के चारों तरफ बंड्स बन जाता है, उसका एक बांध की तरफ बन जाता है और उसके बीच में पानी रहता है. जैसे ही उस लेक पर कहीं से भी वो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर किसी भी फॉर्म में हो सकता है. मान लीजिए ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर गिर गया तो उस पानी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उससे वो बंधा टूट जाता है. यह भी हो सकता है कि भूकंप हो, उससे भी वो बंधा टूट जाएगा और जो वो बंधा टूटता है तो अपने साथ लाखों टन मलबा लाता है नीचे. वही हुआ लोहनाक लेक में और होने के साथ क्या हुआ खान साहब कि 14 ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिज टूट गए, 1307 घर बिल्कुल बह गए और जो डेड बॉडीज मिली करीब रिपोर्टेड डेथ जो है वो तो 32 लोगों का है. वो बताते हैं कि तिस्ता रिवर में जाकर मिला है उनका डेड बॉडी. आप सोचिए कि वी जो जो रिपोर्ट्स हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का कि 28,000 के आसपास हमारे ऐसे लेक्स पूरे हिमालय से फैले हुए. आप सोच सकते हैं कि हम वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, कल को क्या हो सकता है, व्हाट मे हैपन टुमारो. मैं इसलिए रिक्वेस्ट करके अमिताभ जी से कहता हूं क्लाइमेट चेंज पे मुझे बात करने दे, क्योंकि आई हैव नो हेजिटेशन कि हम लोग इस पे कोई भी काम नहीं कर रहे सिवाय खाना पूरी करने के अलावा, इस पे कोई भी काम नहीं कर रहे क्योंकि सिक्किम का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहता है कि सिक्किम में करीब 300 ग्लेशियर लेक्स है. इसरो कहता है कि 730 ग्लेशियर लेक्स है और सभी हम कभी भी कहीं पर भी अगर आप देखिएगा तो हम ग्लेशियर लेक्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे. क्या हो रहा है आप याद करिए, 13 जून 2013 के आसपास, नहीं 6-7 जून 2013 के आसपास जब केदारनाथ टूटने के कागार पे आ गया था, चोराबारी एक लेक है, चोराबारी ग्लेशियर के ऊपर वो लेक बना हुआ है, लेक का एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि मेल्ट करके पानी आ रहा है. नॉर्मली क्या होता है कि मॉनसून हमारे कंट्रीज में जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है. 2013 में क्या हुआ
कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर गैप टेम्परेचर डिफरेंस वो मॉनसून जून के फर्स्ट वीक में उत्तराखंड पहुंच गया और उत्तराखंड पहुंचने के बाद जिस समय वो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है उस समय जो वेस्टर्लीज होता है वेस्टर्लीज वीक हो जाता है और वो या तो गर्मी में नॉर्थ और जाड़े में नॉर्थ और गर्मी में साउथ में वो चला आता है 5-6 डिग्री लैटिट्यूड के पास। लेकिन दुर्भाग्य से टेम्परेचर की वजह से वो भी वेस्टर्लीज बहुत एक्टिव था। नतीजा ये हुआ कि 100 mm की बारिश मिलीमीटर बारिश रात भर होती रही और चोराबारी लेक पूरा का पूरा भर गया। एक चोराबारी ग्लेशियर का टुकड़ा वहां से टूटता है और टुकड़ा टूटने के बाद जो हलचल होता है वो पूरे के पूरे अपने आसपास के बांध को तोड़ता हुआ वो नीचे ले जाता है और उसका इंपैक्ट डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट जी उसका इंपैक्ट ऐसा होता है कि उत्तराखंड के 80% रोड नेटवर्क वॉज वॉश्ड अवे, 235 विलेजेस वेयर जस्ट वॉश्ड अवे, 10,000 के आसपास लोग मर जाते हैं, 9,000 से ज्यादा उत्तराखंड में डंगर कहते हैं लाइव स्टॉक्स को वो मर जाता है। अभी मैं आपको बताऊं जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहा था अभी मेरी उससे बात हुई तो बोलता है कि फिर चोरावारी लेक पुनः भर गया, इट इज फुल टू ब्रिम, ये फिर वही घटना हो सकती है दोबारा कभी। और हम लोगों ने चारधाम रोड बना दिया वहां पे, आप अंदाजा लगाइए चारधाम रोड बनाने के बाद आप सबों ने अभी देखा होगा कि वहां पे तो प्रलय की स्थिति आ गई। अभी जो चमोली में क्या हुआ, हमको पहाड़ों पे सड़क उतनी ही चाहिए जितने आवश्यकता है, वी कैनॉट हैव 4-lane और 6-lane रोड इन